नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हो मैं झारखंड में सफ़र कर रहा हूं। आज मॉर्निंग में मैं रांची से नेत्रहाट जाने के लिए चला। दिन की शुरुआत थोड़ी सी ज़्यादा लेट हुई हमारी, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम रास्ते में कुछ शूट नहीं कर सके। अब नेत्रहाट केवल 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और बारिश थमी है, तो हम गाड़ी से उतर गए हैं। सीनिक व्यू देख रहे हैं, अपने सामने इतनी प्यारी नदी देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। पहले आप यहाँ से देख लो, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखो, नदी यहाँ से आ रही है, इसको नॉर्थ कोयल बोलते हैं। मैं सही आपको बताऊँ, अगर आदमी के पास समय हो ना, तो आप आधा एक घंटा तो किसी भी चट्टान के ऊपर वहाँ कॉर्नर में बैठ जाओ और इस खूबसूरत नज़ारे को जी भर के देखो, इंजॉय करो। और साथ में हल्की हल्की ड्रिजलिंग टाइप हो रही है, अच्छा लग रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। आसमान में आज इतने बादल हैं कि स्काई कहीं नजर नहीं आ रहा, पूरी तरह से क्लाउड्स ही क्लाउड्स। नेत्रहाट टूरिज्म जाते हैं ना, तो उनके माइंड में सनराइज और सनसेट होता है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमें मालूम है। लेकिन ये जर्नी मैंने फिर भी इसलिए करी क्योंकि मुझे सबने बोला था कि ये जो सफ़र है ना, आप बहुत इंजॉय करोगे। और जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ कोयल नदी है, ऐसे एक साउथ कोयल नदी भी है यहाँ पर। वो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन ये नदी आगे जाके ना सोन नदी को मिल जाती है। आइए जी, हम नेत्रहाट पहुंच चुके हैं। इस समय शाम के 5:30 का टाइम है। बरसात ऐसा तो नहीं बोल सकते कि थम गई है, लेकिन ड्रिजलिंग टाइप हो रही है। ये नेत्रहाट की क्रॉसिंग है। यहाँ पर ये सब देख लेंगे ना, तो 12 से 15 दुकान है, तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। आज तो देखिए हम यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। कल सुबह हम सामने बोर्ड पे आपको जो लोकेशंस दिख रही हैं, इनमें से मैक्सिमम लोकेशंस कल के दिन हम विजिट करेंगे। इनफैक्ट कल हम लोध वाटरफॉल भी जाएंगे, क्योंकि लोध वाटरफॉल होते हुए हम लोग रांची निकलेंगे। सिर्फ ये है कि कल बरसात नहीं होनी चाहिए, अगर वेदर क्लियर हुआ तो। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हम यहीं पे हैं। तो बेसिक यहाँ पर आके जो हमें समझ में आ रहा है वो है कि आप हाइट पे हो, जंगल के बीच में ये जगह है नेत्रहाट, और गांव जैसा वातावरण है, एक अच्छी फील मिल रही है यहाँ पर आके। हम होटल प्रभात विहार पहुँच गए हैं। मैंने यहाँ पे अपने लिए ना डबल ऑक्यूपेंसी डीलेक्स रूम लिया, जिसका टैरिफ है 3360। आपको एक बार बैल्कनी दिखा भी देते हैं और खुद भी देख लेते हैं। ओहो, बताओ, ये तो सामने बादल आ गए, क्या बात है। नज़रें जो देखती हैं वो कैमरा नहीं देख पाता, लेकिन इस समय ना सामने सारे ये बादल हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये प्रॉपर्टी वैसे अच्छी लग रही है मेरे को। सनराइज़ देखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने होटल से ही आप सनराइज़ देख सकते हो। तो इनके पास कुछ रूम्स हैं हायर कैटेगरी में, जिसमें रूम के अंदर से आप सनराइज़ देख लोगे, तभी वो फुल हैं। चलिए, अब हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, कहीं बाहर नहीं जा रहे, 6:15 का टाइम है, और कोशिश करेंगे आज रात को हम 9:30 बजे तक तो सो ही जाएँ। मतलब मैं अपना डेटा कॉपी का सारा काम फिनिश कर लूँ, कुछ पेंडिंग बैकलॉग है वो भी फिनिश कर लूँ, और बीच में जो डिनर करेंगे वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, हम क्या डिनर कर रहे हैं। इधर ही डिनर करेंगे, बाहर डिनर का कोई मुझे भी स्कोप नहीं दिख रहा, मतलब मैंने जाके देखा भी नहीं है, लेकिन जब इनके पास फैसिलिटी है तो बेटर है ना, इधर डिनर करते हैं। अर्ली डिनर आज हो गया, इसका मतलब ये है कि समय पे सो जाएंगे और कल के दिन की शुरुआत हमारी टाइम पे हो जाएगी। सही है, मेरे को खिचड़ी में यही चाहिए था कि नमक और जीरे के अलावा कुछ भी ना हो। चलो, एक काम करता हूँ, फिलहाल आपको आज के लिए बाय बाय कर देता हूँ। आज के दिन की जर्नी और कल के दिन की जर्नी हम लोग कंबाइन करके एक एपिसोड बना देंगे। आज तो हमने कोई खास एक्टिविटी करी नहीं है, तो कल जो जो एक्टिविटीज़ करेंगे आज के एपिसोड में ये ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय और गुड नाइट। हेलो, आज नेत्रहाट में ना सुबह से कंटिन्यूस बारिश चल रही है। मुश्किल से 1 या 2 बार 5 मिनट के लिए बरसात रुकी थी, उसके बाद दोबारा चालू हो गई। हमारा होटल ना वो ठीक सामने है, प्रभात विहार। होटल के सामने अरुणोदय अतिथि गृह है, सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये सर्किट हाउस है। कभी आप यहाँ पर आओ,
आपको एकोमोडेशन नहीं मिल रही तो आप इनसे चेक कर सकते हो, इनके पास अगर रूम अवेलेबल होता है तो आपको दे देंगे 2000 और 2500, ऐसा दो किस्म के इनके डिफरेंट रूम टैरिफ्स हैं। और अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, और एक और लेक व्यू होटल है वहाँ पर भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर और बड़ी सारी एकोमोडेशन है, लेकिन उनका अपकीप और मेंटेनेंस उस लेवल का नहीं है जितना इन तीन प्रॉपर्टीज़ का है। जैसे अभी मैं भगवती लॉज के बाहर खड़ा हूँ, कल मैं रात को यहाँ पर अंदर गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया इनसे बात करने, तो इन्होंने बताया था 1800 रुपये में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम है इनके पास। तो कुछ और नहीं मिलता तो आपको फिर बाकी एकोमोडेशन कोई देखनी पड़ेगी। नवंबर से फरवरी यहाँ पे पीक टाइम है, तो नवंबर से फरवरी तो प्री बुकिंग के साथ ही आओ तो ही सही रहेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे 400 से 500 गाड़ियाँ आती आती हैं यहाँ पर। तो मैं किसी से आज सुबह बात कर रहा था, मैंने कहा यहाँ तो देखो कोई टूरिस्ट ही नहीं है, तो उन्होंने बोला अभी आप देखिए आज 4 अक्टूबर है, आप 15-20 दिन रुक जाओ, उसके बाद इतने टूरिस्ट दिखाई देंगे कि आपको लगेगा ये तो बड़ा पॉपुलर जगह है, मतलब बहुत लोग आते हैं। बट ये है कि रहने की सुविधाएं अच्छी प्रॉपर्टीज़ में लिमिटेड है। चलो अब हम थोड़ा घूमने चलते हैं, तो आज जो हमारी साइट सीइंग होने वाली है ऐसा छतरी के साथ ही होगी। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ का ना फेमस रेजिडेंशियल स्कूल विजिट करने के लिए आ गए। अंदर तो जा नहीं सकते तो बाहर से ही देख सकते हैं, 12 तक का ये स्कूल है। ऐसा बोलते हैं कि जो पूरा इनका करिकुलम है उतना वेल स्ट्रक्चर्ड है कि यहाँ से पास आउट होने के बाद बच्चे आगे अच्छे फील्ड में निकल जाते हैं, और ओवरऑल वेरी नाइस स्कूल। अब एक काम करता हूँ मैं, बारिश रुकी तो नहीं है, चल ही रही है, लेकिन बिना छतरी के मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है। सामने ATM होके आता हूँ और फिर आगे चलेंगे। मेरे को लग रहा था ATM है, ATM तो आगे है, ये तो ब्रांच है, और वो भी स्कूल के अंदर की तरफ से है, ऐसा समझ में मेरे को आया। वाह, टू गुड। ऐसे वेदर में ना मन होता है कि धीमी धीमी बरसात होती रही और आप गाड़ी को छोड़ दो और वॉक करते करते इंजॉय करो, थोड़ा भीग भाग जाओ, होटल जाके कपड़े चेंज कर लो, बट सीरियसली वेरी गुड। साढ़े 9 बजे का टाइम है, आप देखो जी हम सनसेट पॉइंट आके ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम बादलों के बीच आ गए हैं। यहाँ से ना 20-25 मीटर तक की तो विजिबिलिटी है, जैसे सामने पेड़ तक तो देख पा रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये है जी नेतरहाट का फेमस सनसेट पॉइंट। अभी तो देखो बारिशों के दिन है तो शाम के समय भी सनसेट नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर हम नवंबर मंथ में देखें, नवंबर से फरवरी मार्च कभी भी, तो ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया सनसेट पॉइंट है। यहाँ पर आपको पूरी वैली दिखाई देती है। अब यहाँ इस जगह का नाम आज की डेट में है मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। मैग्नोलिया क्या, एक ब्रिटिश लड़की थी जिसको यहाँ लोकल चरवाहे से प्यार हो गया, तो क्योंकि घरवाले नहीं माने तो उसने कि अपने घोड़े सहित छलांग मार के अपनी जान दे दी, ऐसा यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है। एक बार सनसेट पॉइंट को अच्छे से थोड़ा घूम के देख लेते हैं, बाहर का तो विजिबिलिटी कुछ दिखेगी नहीं हमें, लेकिन कम से कम एक राउंड लेके फील ले लेते हैं जगह में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सही है जी, देखो यहाँ पर, अच्छा अभी इधर आ गए ना, वहाँ तो फिर भी बादल कम लग रहे थे, लेकिन यहाँ से देखो आप विजिबिलिटी कितनी डाउन है, यहाँ से प्रॉपर पता लगेगा। ये तो हाल 9:30 बजे का, अगर ये 9:30 ना बजे हो और ये हो समय हो सुबह के 7 बजे का, ये भी इतना भी नहीं दिखाई देगा। 7 बजे तो हमारे होटल के अंदर इतना फॉग था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, फिर धीरे धीरे 7:30-8 बजे तक क्लियर होता गया। गुड है, चलो चलते हैं यहाँ से। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन रहेगा नाशपाती के बाग है, वहाँ चलेंगे, नजदीक में ही वहां पर लेक व्यू पॉइंट भी है। सनसेट पॉइंट विजिट करने के बाद ना मेरा मन हुआ कि 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अब चलते चलते ना हम पाइन फॉरेस्ट के बीच में आ गए हैं। ये देखो जी, यहां पर आके मेरे को कश्मीर की याद आ गई, मैं इससे छोटा शब्द नहीं बोलूंगा, दिस प्लेस इज लाइक मिनी कश्मीर। देखो यार, आप खुद अंदाजा लगाओ ना, आप जंगल के बीच में खड़े होकर कैसी फीलिंग आ रही है, और इस समय हमारे सिवा कोई भी नहीं है, सनसेट पॉइंट पे भी कोई नहीं था। अब इस पूरी रोड पे मेरे को जैसे वॉक करते 15 मिनट हो गए हैं, किसी गाड़ी ने हमें क्रॉस नहीं किया, किसी पर्सन ने हमें क्रॉस नहीं किया, एकदम शांति, सिर्फ एक ही साउंड है, वो है
हल्की हल्की बरसात की। जैसा अपन बोलते हैं ना कभी कभी, जर्नी इज मोर इंजॉयबल देन द डेस्टिनेशन। आज सुबह से जो मैंने सबसे बढ़िया सीन इंजॉय किया ना, वो ये 20 मिनट की वॉक है। दिल खुश हो गया, नेचर एट इट्स बेस्ट। चलो यहाँ से भी आधा किलोमीटर और आगे वॉक करते हैं, फिर हम गाड़ी में बैठकर आगे लेक व्यू को चलेंगे। हम ना नाशपति के बगान तक पहुंच गए हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जितने आप ये नाशपति के पेड़ देख रहे हो ना, सारे गवर्नमेंट लैंड पे उगे हुए हैं। मतलब ये गवर्नमेंट इनकी साल में एक बार ऑक्शन करती है, जुलाई में जब नाशपति का सीज़न आता है। अब तो सीज़न निकल गया है, फिर वो ऑक्शन में नाशपति को बेचती है। आज से 3 साल पहले तक 30 लाख रुपये 35 लाख रुपये तक का रेवेन्यू जाता था। अब पिछले साल यहाँ जो नाशपति ग्रो हुई है उसमें उससे गवर्नमेंट को 50 लाख रुपये का रेवेन्यू गया है। किसी ने मुझे बताया था 200 ट्रक निकले थे, तो सोचो नाशपति यहाँ से कितने निकले। और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पेड़ है। यहाँ से देखने से तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत पेड़ है नाशपति का। और अच्छी बात क्या है इस जगह, क्योंकि अपीलिंग टू आइज़ ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि बगल बगल में पेड़ है। वैसे तो नाशपति इस पूरे एरिया में बहुत है, बाकी जो प्राइवेट फार्म्स में है वो डिस्टेंस पे पेड़ है। तो ये गवर्नमेंट लैंड पे हर कुछ कुछ दूरी पे नाशपति लगी हुई है। बरसात तेज होनी स्टार्ट हो गई है और मजा आ रहा है। देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ओह टू गुड। बारिश में घूमते घूमते हम लोग कोयल व्यू पॉइंट तक पहुंच गए हैं। नीचे आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, सामने सब काम चल रहा है। यहाँ पर ना एक बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया जा रहा है। हो सकता है जब तक आप नेत्रहाट आओ अगली बार 2-4 महीने के बाद, तब तक ये पूरा गार्डन तैयार हो। थोड़ा आगे चलते हैं। वैसे तो देखो जितना आज मौसम क्लाउडी है, फॉग है, उसके हिसाब से हमें डाउट है कि यहाँ से हमको कोयल नदी दिखाई देगी, फिर भी एक बार आगे चल के देखेंगे। भाई साहब ये कोयल नदी कहाँ से दिखाई देती है? वो जहाँ वो छतरी लेके खड़ा पर्सन, बहुत खिचड़ा है, आप वहाँ जाते हो। अभी दिखाई देगी? आज नहीं तो कहाँ है? नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर क्या बन रहा भैया? पर्गोला। अच्छा कोई बैठ सके यहाँ पे उस पर पस्के नहीं। कोयल व्यू पॉइंट आ गया ना, मज़ा तो खूब आ रहा है। क्योंकि मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वेदर क्लियर हो और बरसात ना हो तो कोयल नदी का व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कल जब हम नेत्रहाट की ओर आ रहे थे ना, तो हमने आपको कोयल नदी दिखाई थी, वही नदी यहाँ से दिखाई देती है। तो सोचो हमने 30 किलोमीटर का सफ़र किया इधर आए, अब आप नीचे नदी देख रहे हो, अच्छा लगेगा ना। वैसे नदी अभी दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले जो हमने पाइन फॉरेस्ट देखा था ना, वो लैंडस्केप अलग था, ये लैंडस्केप अलग है। आप खुद देखो ना कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हर कुछ दूरी पे ना बेंचेस भी लगाए हुए हैं, कोई यहाँ बैठ जाए। और वेदर क्लियर है, स्काई है, क्लाउड्स नहीं है, तो सामने जो कोयल का कोयल नदी का व्यू पॉइंट है ना, मतलब नदी जो दिखाई दे रही है, बहुत औसम है। अब देखो ना आज यहाँ पर इतनी बरसात में, इतने क्लाउडी मौसम में खड़े होकर मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्लियर वेदर में कितना अच्छा लगेगा, गोज विदाउट सेइंग। ये जो जगहें हैं ना, नेत्रहाट, नेत्रहाट में कोयल व्यू पॉइंट, इन सब के बारे में जानकारी जो इंडिया में दूर दूर लोग रहते हैं उनको नहीं है। क्योंकि सच बताऊं तो आज झारखंड का टूरिज्म उस लेवल पे डेवलप नहीं है जिस लेवल पे काफ़ी और स्टेट का टूरिज्म डेवलप है। तो मुझे लगता है अब जैसे नक्सल का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म की कगार पे आ गई है, तो आने वाले 2 से 4 साल के अंदर ना टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। आज की डेट में इन जगहों के बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो नज़दीक के स्टेट के लोगों का, जैसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, टू एन एक्सटेंट मध्य प्रदेश। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। चलो जी 5 से 10 मिनट रुकते हैं यहाँ पर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेत्रहाट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमें लगा कि अगर हम और व्यू पॉइंट भी चले जाएंगे ना, तो
विजिबिलिटी अच्छे से नहीं मिलेगी, तो बेटर रहेगा हम नेतरहाट से चलते हैं लोथ फॉल की तरफ। अब मैं ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुका हूं जहां से हम सीधे चले जाएंगे तो लोथ फॉल्स आ जाएगा, बेसिकली यहां से सीधे लोथ फॉल्स आएगा। अब लोथ फॉल विजिट करने के बाद ना हमको वापस इसी चौराहे पे आना है और यहां से हम सीधा बेतला नेशनल पार्क के आगे से होते हुए रांची जाने वाले हैं। तो यहां पर सामने डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, ये क्रॉसिंग देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए हम लोग रुक गए थे। अब यहां से आगे हम लोथ फॉल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सफ़र हमने जब से शुरू किया है ना, बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। अब आज का एग्जांपल लो, हम नेतरहाट से चले तो हमने लेफ्ट राइट दोनों तरफ बहुत ग्रीनरी देखी, बीच में बरसात हो रही थी और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अब लोथ फॉल्स के लिए सीधे बढ़े 17 किलोमीटर, और यहाँ पर भी देखो ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल के बीच से निकल रहे हो, रियल में जंगल ही है जिसके बीच से हम लोथ फॉल का रास्ता जा रहे हैं। अब हम केवल लोथ फॉल से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम लोथ फॉल की पार्किंग तक आ गए हैं। लगभग 15-20 गाड़ियां आराम से इस रोड पे खड़ी हो सकती हैं। अब यहां पर आने के बाद ना आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है, हमारी एंट्री हो गई है। और इधर इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये जो फॉल है 469 फीट ऊंचा है और बूढ़ा नदी के ऊपर ये बना हुआ है। और वैसे मेरे को जितना मालूम है बूढ़ा नदी आगे चल कर ना नॉर्थ कोयल रिवर को मिल जाती है। चलिए अब हम यहां से चल रहे हैं आगे फॉल विजिट करने के लिए। वाह जी वाह, फर्स्ट व्यू ऑफ वाटरफॉल तो हमें दिख ही गया है, क्या बात है, मस्त लग रहा है। तो वाओ, ह्यूज, ये देखो जी, चार पांच डिफरेंट जगहों से चट्टानों से टकराता पानी नीचे उतर रहा है और यहां इकट्ठा हो रहा है, मजा ही आ गया। ये तो बहुत खूबसूरत, आइए थोड़ा पास चलेंगे। वैसे मैं एक बात बोलूं, यहां पर आके ना मैं इंप्रेस हो गया हूं। अब देखो एक पहाड़ी वो है, एक पहाड़ी ये है, फॉल जी बीच में से जा रहा है। अब झारखंड टूरिज्म ने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बना दिया जिससे कि हम जैसे टूरिस्ट पार करके वहां जा सके। सही है ना, ओह मैन, कमाल हो गया, दिस इज टू गुड, टू गुड। पानी की चीटें आगे ना सीधी फेस पे हिट कर रही है। बड़े दिन के बाद मैंने ऐसा कोई वाटरफॉल देखा है जिसको देख के ना मैं अपनी एक्साइटमेंट को होल्ड नहीं कर पा रहा, इतना मतलब मेरे को खुशी हो रही है। देखो मैं आपको बड़ी गजब चीज यहाँ खड़े होकर दिखाने वाला हूँ। सामने जो पानी नीचे आ रहा है ना उस पहाड़ी के ऊपर से चट्टानों से टकराते वो चीटें जो है उसकी हवा में आगे चलती जा रही है, ठीक है। और ये सब हम नजरों से ऐसे देख रहे हैं और हैरान हो रहा हूँ मैं देख कर कि सब कुछ क्लियरली विजिबल टू आइज है। और ये पेड़ों तक टकराती हुई दिखाई दे रही है और काफी आगे भी जा रही है। अब आप इस तरफ आओ, इस तरफ में ये जो पानी नीचे चट्टानों से टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर छींटे ऊपर उठ रही हैं, मजा आ रहा है ना देखकर। एक ही जगह खड़े हो गए दो डिफरेंट व्यूज, और जिस समय अभी हम आए हैं ना ये बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। वैसे मैं ये जरूर बोलूंगा यहाँ पर आके ना किसी को भी इतनी खुशी होगी कि बताओ आपने क्या चीज देख ली है। अगर मैं एक ओवरऑल तौर पे बात करूं तो मैंने इंडिया में जितने भी वाटरफॉल्स देखे हैं इस फॉल को ध्यान में रखते हुए मैं इसको टॉप 20 की रैंकिंग जरूर दूंगा, मतलब ये टॉप 20 का पार्ट है। वैसे देखो ये बारिशों के बाद का टाइम होता है ना, अक्टूबर महीना सितंबर महीना भी ये वाटरफॉल देखने के लिए बेस्ट टाइम होता है। अब मुझे नहीं पता ये मार्च में किस रूप में होगा, वो हमें किसी से पता लगाना पड़ेगा, लेकिन आज जो हमने इस वाटरफॉल का व्यू देखा है ना दिल खुश हो गया।
जब हम यहाँ पर आए थे ना तो मेरे मन में ऐसा था कि हम आधा घंटा रुकेंगे फिर नीचे उतर जाएंगे, लेकिन अभी एक घंटा तो हमें यहाँ पर पहुँचे हुए हो गया, तो 10-15 मिनट ऊपर आने का वो सब मिला लोगे तो 1.5-2 घंटा हो गया। ज़बरदस्त, चलो बाहर चलते हैं, लंच करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे उतरने में हमें ज़्यादा नहीं 7-8 मिनट का टाइम लगेगा। What? कुछ देर पहले हम लोध वाटरफॉल जाने के लिए इधर से गए थे, तो यहाँ से वाटरफॉल आधा किलोमीटर ही है। अब वहाँ से वापस आए हैं, जाते समय यहाँ पर हम भैया को बोल गए थे कि रिटर्न लौट कर आएंगे तो हमारे लिए दाल और चावल बना के रखना, साथ में एक मिक्स वेजिटेबल बना देना। सादे भोजन में क्या है? वेज आइटम है। आइटम का नाम क्या है? मिक्स वेज सब्जी है, दाल। अभी बोल के जाएंगे तो कितना देर में बना दोगे? आधा घंटा। भैया टाइम हो रहा है 1:15, हम लोग वापस आएंगे आधे घंटे में। नहीं हम जल्दी वापस आएंगे, तो हम आधे घंटे में वापस आएंगे, लेकिन ऐसा करना जब तक वापस आए बना के रखो। ये मिक्स वेज है जी। ठीक है, लाओ 3-4 आइटम। हाँ चलो आप दाल ले आओ भैया। बस का इन्होंने क्या मालूम किया, आलू का छिलका नहीं उतारा, छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और हाईली सिंपल टेस्ट। मिक्स वेजिटेबल मैंने ज़्यादा करके हैं लौकी और टमाटर ही है, और साथ में थोड़े से आलू के पीसेस हैं। और इससे बढ़िया क्या होगा कि हम ऐसी वाटर स्ट्रीम के बगल बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं, साथ साथ मौसम का आनंद ले रहे हैं, और फूड तो बढ़िया है ही है। भैया खाना आपने बहुत शानदार बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, मज़ा आ गया। और सिर्फ एक ना एक चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, क्या होता है ना जैसे टूरिस्ट सब आते हैं, कोई प्लास्टिक की पानी की बोतल लेता है, कोई चिप्स लेता है, तो ये थोड़ा ध्यान दो कि वो लोग फेंके ना यहाँ पर। जैसे अब सामने वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स गिरी हैं, तो ये आप टूरिस्ट को सामने से बोल दो भाई प्लास्टिक गिरना मत, 7 बॉटल लेके जा रहे हो ले जाओ साथ में। चलो जब हम थोड़ी देर में लंच फिनिश करके यहाँ से चलते हैं, और रास्ते में 2-3 साइट सीइंग स्पॉट आएंगे, विजिट करते करते हम रांची की ओर बढ़ेंगे। लोथ फॉल से हमने लगभग 50 मिनट का सफर किया, और अब हम सूखा बांध पहुंच गए हैं। जैसे ही गाड़ी खड़ी करी अचानक बरसात चालू हो गई, तो हमने फट करके छतरी निकाल ली, और ये देखो जी क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटी, कमाल ही हो गया, टोटली अनएक्सपेक्टेड। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना हो, इतना मेरे को मज़ा आ रहा है। कुछ देर पहले हमने वाटरफॉल देखा, और अब ये देखो जी पानी यहाँ पर सूखा बांध पे आगे, हम जो देख रहे हैं किस रफ्तार पे आगे बढ़ रहा है। सामने पूरा ये रॉकी बेड है जिसके ऊपर से पानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, कुछ तो हमारे ब्रिज के नीचे से निकल रहा है, और ये कुछ बहुत बड़ी चट्टान के उस तरफ से। कमाल हो गया, व्हाट अ ब्यूटी। टूरिज्म की नज़र से ना इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, एक तो मैंने आपको ब्रिज दिखाया, और दूसरा ये हट्स बनाई हुई हैं कि आप आराम से अंदर आके बैठ जाओ और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करो। यहाँ पर भी हट है और बगल में भी हट है, वाओ अमेजिंग। कुछ देर पहले थी तेज बारिश हो रही थी, अब थोड़ी सी धीमी हुई है, तो मैंने छतरी उधर ही छोड़ दी। So beautiful. सामने ना बादल पेड़ों के आगे से हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैमरे में पता नहीं कैसा कैप्चर हो रहा होगा, लेकिन नजरों से मैं देख पा रहा हूँ वो मुझे बादल दिख रहे हैं चलते हुए पेड़ों के आगे से। बहुत बार क्या होता है, मैं एज ए ट्रैवलर ना अनवांटेड रिस्क ले लेते हैं,
जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप इस जगह की बात करता हूँ, ये चट्टान आप देख लो इतनी बड़ी है, मैंने आपको दो मिनट पहले भी दिखाया था ना। अब कोई रिस्क लेने के चक्कर में वहाँ खड़े होकर सेल्फी लेना की कोशिश करे, वो काम तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो बहुत बाद की बात है। सिर्फ आप वो ब्रिज पार कर गया हो, हट में बैठो, यहाँ इंजॉय करो, क्योंकि इन्होंने सही जगह पे हट बनाई हुई है, और रिटर्न। बाकी ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर आके ना दिल खुश हो गया, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया जगह आ गए हम। अभी हम 10 से 15 मिनट यहाँ रुकते हैं, यहाँ पर बैठ के दो दिन बढ़िया बढ़िया फोटो निकालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जब हम यहाँ से निकल रहे हैं मिर्चैया वाटरफॉल जाने के लिए, लगभग आधे घंटे का टाइम लगेगा, और ये फाटक है बेसिकली, वहाँ जाने से पहले आप गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी कर दो। अब कुछ देर में आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। शाम के 5:15 का टाइम है, अब हम मिर्चैया वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं। यहां पर भी देखो इन्होंने ना वैसा ही ब्रिज बनाया हुआ जैसा लोध फॉल पे बनाया हुआ था। यहां पर देखो सीन ये है, वो सामने ना बड़ी सी चट्टान है, उसके ऊपर से पानी देखो कितनी तेज रफ्तार में आगे आ रहा है, और अभी मैं बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर ही खड़ा हूँ। ये देख लो नीचे चट्टान है ना, ये पानी स्लाइड होते होते तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको वो ब्रिज दिखाया था ना, हम सामने से आए थे, बेसिकली हमने वो ब्रिज को पार किया, इधर आ गए, यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है, बस मज़ा आ रहा है। एक्चुअल में पानी का करंट कोई स्लो नहीं है, पानी का करंट अच्छा खासा तेज है, वो देखो ना खुद महसूस होता है, ब्रिज के ऊपर से आया था मैंने वहाँ देखा था, तेज करंट है। ये वाटरफॉल की भी खास बात ये है कि जंगल के बीच में है, हमारे चारों तरफ ये जंगल है, और वैसे भी ना बेतला नेशनल पार्क यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर ही आगे है, लेकिन जब तक हम बेतला पहुँचेंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा, तो बेतला को हम बाहर से भी नहीं दिखा पाएंगे और अंदर से तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे, गोज विदाउट सेइंग। चलो अब हम यहाँ से रांची की ओर चलते हैं, बीच में कुछ एक्साइटिंग आएगा तो गाड़ी रोकेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। लगभग 45-50 मिनट का सफ़र करके हम लोग ना बेतला नेशनल पार्क के पास आ गए हैं। अभी मैं जस्ट एंट्री गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ हमने सोचा 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, जस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सफारी करना चाहता है तो उसके चार्जेस क्या हैं। 1200 रुपये लेते हैं जिप्सी का, जिसमें एक घंटे का विजिट रहता है, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, और उसके बाद दोपहर में 2 से 5, मतलब आप 1 घंटे के लिए सफारी कर सकते हो, 1 पर्सन से लेके 6 पर्सन के बीच में, एक हो चाहे 2 हो। और ये जगह जो बेसिकली क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क उसका पार्ट है, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। अलग से कोई एंट्री टिकट चार्ज नहीं है, जो मैंने आपको 1200 रुपये बताया वो यहीं का चार्ज है। एनिमल्स यहाँ पर किस किस तरह के पाए जाते हैं उसका बारे में सामने बोर्ड पर इंफॉर्मेशन है। बाकी जनरली मैंने कुछ लोगों से झारखंड में जब आया तो मैंने पूछा था कि बेतला में एनिमल विजिबिलिटी कैसी है, तो वो लोग कह रहे थे एनिमल विजिबिलिटी के चांस कम रहते हैं, लेकिन ये है कि हिरण, हाइना, जैकॉल दिख जाते हैं, उसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट अभी यहाँ आने के बाद मैं किसी से पूछ रहा था, कहते अभी एक जिप्सी निकली है, उनको आज 8 हाथी दिखाई दिए हैं, यहाँ पीछे लोग खड़े हैं ना, इनसे मैं बात कर रहा था। तो वैसे भी एनिमल विजिबिलिटी इज़ अ मैटर ऑफ लक, चाहे कोई भी जंगल हो। बस मैंने 5 मिनट की ब्रेक ली कि नेशनल पार्क को बाहर से देख लेते हैं। अब हम यहाँ से रांची की ओर जा रहे हैं, एक काम करते हैं, रांची तक जाने के रास्ते में ना हम सोच रहे हैं कि एक आध छोटी सी ब्रेक ले लें, तो ये वाला जो हमारा एपिसोड है ना, इसको बेटर रहेगा हम यहीं पे फिनिश कर दें, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि रांची जाके तो होटल में स्टे करना है और कल हमें बोकारो जाना है, राइट? अब मैं आपको फ़िलहाल यहीं पर बाय बाय कर देता हूँ, और अब आपसे हमारी मुलाकात
नेक्स्ट जर्नी में होगी जो बोकारो की है। झारखंड टूर के हमारे बस आखिरी दो दिन है, कल का दिन और परसों का दिन। परसों मेरी शाम को वापसी है। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं बोकारो जाकर ना स्टील प्लांट कैसे फंक्शन करता है, स्टील कैसे तैयार होता है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। जब हम बोकारो पहुंचे तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जिस लेवल की रिसर्च और रेकी की ज़रूरत है उसके लिए हम तैयार ही नहीं है। तो मैंने बोकारो स्टील प्लांट की डॉक्यूमेंट्री का प्लान ना फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया। आने वाले कुछ महीनों के बाद मैं दोबारा आऊँगा, तब ये प्रॉपर वीडियो हम तैयार करेंगे। फिलहाल जो वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपने अभी एपिसोड देखा, ये झारखंड सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। एक एपिसोड आप आगे चलकर देखेंगे जिसमें हमने बोकारो स्टील प्लांट में जो विजिट किया उसका ग्लिम्प्स आएगा, वो अब हरीश बाली ट्रैवल्स में आप देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ झारखंड सीरीज़ आपने एंजॉय करी होगी। अगले हफ्ते वीज़ा टू एक्सप्लोर में आप अंडमान सीरीज़ का पहला एपिसोड देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अंडमान सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और वैसे भी इस समय अंडमान का सीज़न चल रहा है, नवंबर से लेके फरवरी तक अंडमान टूरिज़्म पीक पे रहता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया।